हाँ स्वागत है दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट पर्यायवाची कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कुछ, जैसे अमृत का सुधा पीयू सोम मधु और अमी है। अब इसको आपको कैसे याद रखना है, अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है विष, या जिसको अपन जहर कहते हैं उसको मैंने 15 नंबर पे लिखा है। देखो तो अमृत का होगा जहर, या हम इसको कह सकते हैं विष, ठीक है। फिर देखें सुधा पीयूष सोम मधु, ये आपको एक साथ याद रखना है। अमृत को अपन सुधा पीयूष सोम मधु जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर इस तरह से आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% ये याद हो जाएगा। तो सुधा पीयूष सोम मधु ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, और अमृत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जहर विष हलाहल। तो ये दोनों एक साथ याद रखने, गरल विष हलाहल, या फिर इसको कहते हैं जहर। तो अमृत और जहर ये दोनों आपको साथ में, देखो अमृत के तो क्या हो गए सुधा पीयूष सोम मधु, और अमृत का जो है विलोम शब्द हो जाएगा जहर या विष, तो गरल हलाहल विष, ये भी आपको एक साथ में याद रखना है। फिर देखें अग्नि, अग्नि का हो जाएगा आग अनल पावक ज्वाला कुशानु। तो आपको याद रखना है आग अनल पावक ज्वाला, आग अनल पावक ज्वाला, ये चार आपको अग्नि के याद रखना है, आग अनल पावक ज्वाला। इजीली आप इसको सुनेंगे तो भी आप इसको याद रख सकते हैं। असुर, असुर का हो जाएगा दानव राक्षस रजनीचर। अब देखो रजनी यानी होता है रात, और रात में चलने वाला राक्षस होता है, रात में चलने वाला कौन होता है राक्षस होता है, उसी को अपन कहते हैं असुर और दानव। अब असुर का अगर विलोम शब्द मैं कहूं तो सुर होता है, और सुर का मतलब होता है देवता। मैंने 17 नंबर पे लिखा, देखो सुर का देवता देव अमर, क्योंकि देवता कभी नहीं मरता इसलिए वो अमर होता है और निर्जर हो जाएगा इसका। तो ये आपको एक साथ याद रखना है असुर का और देवता का, असुर का मतलब दानव, सुर का मतलब देवता। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इसलिए मैं इसको इजी तरीके से बता रहा हूँ। अरण्य, अरण्य का मतलब होता है वन जंगल कानन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया दावा, और अगर मैं आपको कहूं तो देखो आग का होता है अनल, यहाँ पे देखे मैं आपको बताता हूँ जो है यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है दावा, ये होता है जंगल का, और एक वर्ड आता है हिंदी के अंदर दावानल, दावानल का मतलब होता है जंगल की आग, दावानल। अनल, अनल का मतलब होता है अग्नि। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं अग्नि का कहीं लिखा हुआ होगा, आप इसमें से ढूंढें, और अग्नि के अंदर तो दावा का मतलब होता है जंगल, और नल यानी अनल, अनल का मतलब होता है ये देखो, ये ना देखो अनल। तो दावा और अनल इसको जब मिलाया तो दावानल बन गया, और दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। तो ये आपको याद रखना है। अंधकार का तम तिमिर तमस अंधेरा, तम तिमिर तमस और अंधेरा, ये भी आपको याद रखना है। आंसु का देखो घोड़ा घोटक बाजी सैंधव, ये चार आप याद रख लें, घोड़ा घोटक बाजी सैंधव और तुरंग भी होता है, तो ये भी आप याद रखें, घोड़ा घोटक बाजी सैंधव तुरंग, घोड़ा घोटक बाजी सैंधव तुरंग। ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो इसीलिए आप लोगों को याद रह जाएगा, घोड़ा घोटक बाजी सैंधव तुरंग। आ का देखो नयन नेत्र चक्षु लोचन, नयन नेत्र चक्षु लोचन, दृग भी कहते हैं नयन नेत्र चक्षु लोचन, नयन नेत्र चक्षु लोचन दृग भी हो जाएगा। आकाश का नभ गगन, नभ गगन अंबर आसमान शून्य, बहुत सारे होते हैं नभ गगन अंबर आसमान शून्य, ये सब किसके होते हैं आकाश के। ईश्वर का देखो प्रभु भगवान परमेश्वर ईश, ईश कहते हैं कि आप अपने किस ईश को मानते हो, यानी देवता, ये हो जाएगा प्रभु भगवान परमेश्वर ईश, ठीक है, ये हो जाएगा भगवान का। कमल और बादल का देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे, कमल के पीछे ज आता है, जैसे सरोज पंकज नीरज अंबुज, और जो बादल होता है उसके पीछे द आता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बादल के पीछे देखो जलद नीरद वारिद, तो बादल वाले में सबके पीछे द आएगा, और कमल जो है उसके पीछे आएगा ज, तो जिसका भी नाम पंकज है सरोज है उसका मतलब कमल होता है, नीरज आप खुद देख सकते हैं अंबुज, बादल वाले में सबके पीछे ज आ रहा है, कमल वाले में सबके पीछे क्या आ रहा है ज आ रहा है, और बादल का अपन देखेंगे तो द आएगा, जलद हो गया नीरद हो गया वारिद हो गया, तो देखो पीछे क्या आ रहा है द आ रहा है। ये दोनों आप लोग इंपोर्टेंट इस तरीके से याद रख सकते हैं। किनारा तट तीर कुल, ये किनारा का याद रखना है, तट तीर कुल। गंगा का देखो क्योंकि गंगा नदी मोक्षदायी नहीं होती है, अस्थियां विसर्जित होती है, इसीलिए याद रह जाएगा, क्योंकि भगीरथ इसको लेके आए थे, तो भगीरथी देवताओं की नदी है इसलिए देव नदी, देवताओं की नदी है इसलिए देव नदी। सुरसरी, सूर्य यानी देवता होता है, असुर यानी राक्षस होता है, तो सुरसरी, सरी का मतलब नदी, तो सुरसरी यानी देवताओं की नदी, मोक्षदायिनी भगीरथी, बहुत सिंपली याद रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपन याद करें सरस्वती का, तो वो भी बहुत सिंपल है, मैं उसमें बहुत सारे बता सकता हूँ, सरस्वती वीणावादिनी, ठीक है, हंसवाहिनी, क्योंकि वीणा होता है सरस्वती के, हंसवाहन होता है, हंसवाहिनी वीणादायिनी, ये देखो वाणी शारदा, ये सब किसके होते हैं सरस्वती के, तो सरस्वती के भी आप बहुत इजीली याद रख सकते हो, गंगा के आप बहुत इजीली याद रख सकते हो, सुरसरी देव नदी भागीरथी, बहुत सिंपली आप इनको याद रख सकते हो। फिर आ जाओ साव का किनारे का तट तीर कुल बता दिया, चंद्रमा का, तो चंद्रमा का देखो राकेश मयंक चंद्र सुधांशु, ये सब चंद्रमा के होते हैं, ठीक है, राकेश आपको याद रखना है, मयंक याद रखना है, सुधांशु याद रखना है। फिर देखे नाव का नौका जलियान तरणी पोत, ये नाव का हो जाएगा, इधर आ जाए नदी का सरिता तटिनी आपका पवन यानी वायु, अनिल बात वायु हवा, अनिल बात वायु हवा, पवन की आप याद रख सकते हैं। पर्वत का देखो नग नीर सैल, सैल का मतलब भी पर्वत होता है, नग का मतलब भी पर्वत होता है,
नग का मतलब क्या होता है? पर्वत। नगराज कहते हैं हिमालय को, नगाधिराज। पुत्र का, पुष्प का, फूल, सुमन, कुसुम, ये तीनों याद रखना है। फूल, सुमन, कुसुम, ये हो जाएंगे पुष्प के, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुत्र का देखो सूत, तनुज, नंदन, ठीक है। और तनुजा हो जाएगा तो पुत्री हो जाएगा, ठीक है। सूता हो जाएगा तो पुत्री हो जाएगा, ठीक है। तो सूत, तनुज, जैसे अंजनी सूत हनुमान जी के लिए अपन बोलते हैं, हनुमान भगवान के लिए अपन बोलते हैं अंजनी सूत। तो सूत का मतलब होता है पुत्र, तो तनुज का मतलब भी होता है पुत्र, नंदन का मतलब भी होता है पुत्र। और पुत्री का अगर कहते हैं तो तनुजा हो जाएगा, ठीक है। राजा का देखो नरप होता है, नरेश होता है, भूप होता है। तो राजा का आप इजीली याद रख सकते हैं, नरप कहते हैं, नरेश कहते हैं, भूप कहते हैं राजा को। रात का देखो रात्रि, रजनी, जैसे अभी मैंने रजनी चर बताया था हसुर के लिए, तो रजनी का मतलब रात, अंधेरे में चलने वाला, यामा, निशा, ये सब रात के हो गए। वानर का देखो कपड़ी, बंदर, मरकट, हरी। तो ये हरी जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखना, हरी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना ये हरी इम्पोर्टेंट है। कपी भी कहते हैं, बंदर भी कहते हैं, मरकट भी कहते हैं बंदर को। सरस्वती का भी मैंने बता दिया, वीणा, वीणा वादिनी, हंस वाहिनी, ठीक है। शारदा, सरस्वती के सारे पर्यायवाची याद रखना है। स्वर्ण का मतलब सोना, कंचन, हेम, ये चीज याद रखना, कंचन, हेम, स्वर्ण, सोने के होते हैं, कंचन, हेम, स्वर्ण, सोना, गोल्ड का, ठीक है। फिर देखो सागर का, जलधि, सिंधु, समुद्र। सागर का समुद्र तो ऐसे याद रह जाएगा, जलधि और सिंधु। तो सिंधु को आप नदी में समझ लेना, सिंधु सागर का पर्यायवाची है, सिंधु किसका है, सागर का पर्यायवाची है। फिर देखो सिंह, सिंह होता है शेर, इसको कहते हैं मृगराज, ठीक है। और केसरी, केसरी का मतलब शेर होता है, वनराज का मतलब भी शेर होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, बहुत सारे हैं सूर्य के, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगर आप दो तीन बार इसको रिपीट करेंगे तो इजीली याद रख सकते हैं। हाथी का गज हो जाएगा, हस्ती हो जाएगा और मतंग हो जाएगा। और हिमालय का पर्वतराज, नगराज। तो ये कुछ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं, तो इसको आप दो से चार बार 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 रिपीट करने की कोशिश करें तो ये आपको इजीली याद रह जाएंगे। एक दूसरे पर्यायवाची याद करने का सबसे आसान तरीका होता है उसका विलोम सब लोग और दोनों साथ में याद करो। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अमृत का विष होता है तो सुधा का गरल हो जाएगा, पीयू, सोम, मधु, ये देखो मैंने गरल, विष, अलाहल, एक साथ याद करना है। जैसे अपन ने दानव का पढ़ा असुर और फिर देवता का पढ़ा, देवता को सुर कहते हैं, दानव को असुर कहते हैं, तो ये आप इस तरीके से आप, वो फिर सुरसरी आ गया, देवताओं की नदी सुरसरी हो गया, तो एक दूसरे से अगर आप मैचअप करके पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपके दिमाग में ये है कि ये हमें याद नहीं हो सकते तो आप बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हैं। आप कोशिश करेंगे तो जरूर आपको ये याद हो सकते हैं। और ये तो मैंने आप लोगों को बहुत कम लिखा है, आप कोई बड़ी हिंदी व्याकरण की अच्छी किताब अगर देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा लिखे होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, इजीली याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को जरूर याद हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन जो पर्यायवाची पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, और कोशिश करेंगे और इनसे भी अच्छे एक और वीडियो लाने की। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।